भवानीखेड़ा अनाज मंडी के वेयर हाउस में बीती शाम अचानक आग लग गई। वेयर हाउस में करीब 27,000 बोरे गेहूं लगा हुआ था। मौके पर पहुंची फायर ब्रिगेड की गाड़ियों ने 3 घंटे की कड़ी मशक्कत के बाद आग पर काबू पाया। बताया जा रहा है कि इस आग से लाखों का नुकसान हुआ है। वहीं प्रत्यक्षदर्शियों की माने तो आग लगने के कारणों का पता नहीं लग पाया है और आग से हुए नुकसान का सही सही अंदाजा लगाना भी मुश्किल है। आग लगने के संभावित कारणों का तो अभी पता नहीं लग पाया है। करीब 3:30 बजे के आसपास, 3 बजे के आसपास हमें पता लगा था और जैसे ही पता लगा हमने आग पर काबू पाने की कोशिश की। सारी मंडी ने साथ दिया था कि इसी कारण से ये ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ हमारा। ऊपर से जो बारदाने का नुकसान हुआ है वही है। ग्रेन हमारा सेफ है इसमें और आग पर जल्दी फायर ब्रिगेड आ गई थी और उसकी वजह से। कितनी गाड़ियां फायर ब्रिगेड की बुलाई हैं? हमने 3 गाड़ियां भिवानी से बुलाई हैं और दो भिवानी से और एक हिसार से आई है। करीब 3:28 पर सूचना मिली कि बौनी खेड़ा में जो गेहूं का गोदाम है अनाज मंडी के पास उसमें आग लगी हुई है। तो सूचना मिलते ही हम तुरंत मौके पर पहुंचे और आग पर काबू पाने का प्रयास किया। कितनी गाड़ियां आई हैं? हिसार से भी गाड़ियां मंगवाई गई हैं? 3 गाड़ियां भिवानी की और एक हिसार से भी। सूचना शायद यहाँ से दी होगी तो हिसार से भी एक गाड़ी यहाँ पहुँची थी और अब आग कंट्रोल है। कितना टाइम लगा है आपको आग को काबू पाने में? करीबन 2.5 से 3 घंटे लगे आग को बुझाने में।